और ये कायर और कमजोर और पैसा देने वाली जनता, जात पात और धर्म मजहब पर वोट देने वाली जनता, 200 रुपया से 500 हजार रुपया लेकर यूथ और छात्र का इनाम बीत जाने वाला भारत, और सफेद पोष लोग इस हिंदुस्तान में जब तक रहेंगे बेटी और बच्चों का यौन शोषण कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी मां से कहना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान में यदि कोई अपनी बच्ची और अपने बच्चों का यौन शोषण रोक सकता है तो सिर्फ मां की दुआ, बाप भी नहीं, सिर्फ मां, सिर्फ मां। तीसरा कह रहा है कि यह नेता अपना दर्द लोग गांजा खाया। चौथा कह रहा है कि इसका अमुक लोगों ने बलात्कार किया। सर, हम खुद ही तय कर लिए कि हम लोग कितने के साथ बलात्कार कर सकते हैं। ये नेताओं ने 4 दिनों के अंदर, तुम ज्यादा तो हम कम, हम ज्यादा तो तुम कम, बेटियों के यौन शोषण कर दी राजनीति, बच्चियों के बलात्कार कर दी राजनीति, निर्भया और कामनी दो बच्चियों का बलात्कार हुआ था, चूंकि उसके पीछे मां बाप था, जात का लेबल लगा था, तो ये जात के ठेकेदार को कैंडल जलाना शुरू कर दी। हिंदुस्तान में कोई ऐसा बालिका गृह नहीं है, कोई जिसको पप्पू यादव लोकसभा में आज से 1.5 महीना पहले उठा चुका हो। लगातार पप्पू यादव और रणजीत रंजन इस सवाल को कि क्या कस्तूरबा स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची यौन शोषण से सुरक्षित है, जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाली बच्ची और बच्चे क्या यौन शोषण से अभ्यर्थी सुरक्षित है, निजी हॉस्टल में रहने वाली पप्पू यादव की बेटी बहन, हमारे परिवार की कोई ना कोई लड़की क्या महफूज है, या नहीं तो उस निजी हॉस्टल के मालिक का बेटा, या नहीं तो गुंडा, या नहीं तो दरबान, या नहीं तो शिक्षक, या नहीं तो मास्टर गया एक अभापन की जगह, गया का एक टीचर आज से 15 दिन पहले नंबर बढ़ाने के लिए बच्चों को बोला कि 2 दिन मेरे साथ आओगी तब मैं नंबर बढ़ाऊंगा। गया बन रहा मधेपुरा का एक टीचर 7 महीने से 13 साल की बच्चों के साथ यौन शोषण कर रहा था, 2 महीने की डिग्री। सर, बालिका गृह में नीला पीला बत्ती, इसीलिए कि उस बच्ची के पीछे कोई जात, कोई धर्म मजहब और कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। वो बच्ची अनाथ है, वो बच्ची बेसहारा है, उसके मां बाप ने अपने बच्ची को अपने
बच्चों को नहीं रख सका। वह बच्ची यकीन हो चुकी, 7 साल की बच्चियों के साथ लगातार यौन शोषण, 14 साल लड़कियों का, 34 लड़कियों का प्रेग्नेंट होना, और देश भर में कितना बड़ा मुद्दा है। लखपति बाबू किसी नेताओं के लिए, किसी युवाओं के लिए, किसी छात्रों के लिए, सर लखपति बाबू जब निर्भया कानूनी घटना घटी थी, जेएनयू जामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी, एएमयू बीएचयू पार्क में घूमने वाला छोटका छोटका लपेटिया प्ले हुआ है, सबने कैंडल जलाया, और हिंदुस्तान के सभी बालिका गृह की बच्चियों के साथ 3 सालों से 7 सालों से 8 सालों से 10 सालों से यह नेता जानवर के तरह कम बच्चियों को नोचता है। नंगा करके उसकी तस्वीर भेजा जाता था, पॉर्न दिखाया गया, उसके शरीर में सुई दी गई, सिगरेट से दागे गए, यदि जिसने विरोध किया गर्म पानी उसे दिया गया, आग से जला के मार दिया गया। उस बच्ची के लिए हिंदुस्तान की किसी जेएनयू, किसी डीयू, किसी जामिया, कोई बीएचयू और एएमयू के लड़कों ने कैंडल मार्च नहीं किया।